हिमाचल में लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। लोकसभा आम चुनाव 2024 और विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार वीरवार शाम को 6 बजे समाप्त हो गया। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चंबा के महला ब्लॉक के अहलमी मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदान दल को लगभग 15 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। सफर भी किसी जोखिम से कम नहीं था। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कुल 7,992 मतदान केंद्रों में से 369 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 118 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जबकि सिरमौर में 58 व ऊना में 51 क्रिटिकल श्रेणी के मतदान केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त सोलन में 45 तथा चंबा में 20 क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। हमीरपुर में 17, बिलासपुर मंडी तथा शिमला में क्रमशः 16-16 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। किन्नौर में 7, कुल्लू में 3 और लाहौल स्पीति में केवल 2 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।